अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करना चाहते हैं, आप किसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट को ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप कोई यूट्यूबिंग करना नहीं चाहते, आप बहुत सारी वेबसाइट्स को ज्वाइन करके थक गए हैं, आप बहुत सारा ऑनलाइन वर्क अप्लाई करके थक गए हैं, लेकिन आप लोगों को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और आप चाहते हैं कि अब खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिसपे लाइक कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह मैटर ना करती हो, जिसपे कोई डिग्री वगैरह मैटर ना करती हो, और बिजनेस भी हमारा खुद का हो, प्रोडक्ट्स भी हमारी खुद की अपनी हो, हमें कोई कमीशन वगैरह पे काम ना करना पड़े, कोई इंसेंटिव वगैरह हमें ना मिले, हम सिर्फ अपना बिजनेस करें, जो अमाउंट मिले वो हमारी ही हो, लाइक हमें उसमें से किसी को पे ना करना पड़े, अपनी प्रोडक्ट हो, अपनी प्रोडक्ट को ही हम सेल आउट करें और हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी ना करें। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा काम लेके आए हैं, एक ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जिसमें आप लोगों का खुद का प्रोडक्ट होगा, आप लोग लाइक उसको सेल आउट करेंगे, लेकिन उस पर जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, आप लोगों ने उस पर जीरो इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन प्रोडक्ट भी आपका होगा, उसे आप सेल भी करेंगे और इससे आप लोग अर्निंग भी करेंगे, और अर्निंग भी आप डेली की 10 to 15,000 करेंगे। ये हम आपको स्टार्टिंग बता रहे हैं कि लाइक बिल्कुल इनिशियल लेवल पे अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब की हम आपको अमाउंट बता रहे हैं। जब आपको ये काम आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, इवन एक दो महीने बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इससे कितनी अच्छी अर्निंग होती है। हमने तो जस्ट 10 to 15,000 आपको लाइक थोड़ी सी अमाउंट बताई है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अमाउंट पे बिलीव नहीं करते, तो इसलिए ये थोड़ी सी अमाउंट बताई है कि आप अगर बिल्कुल स्टार्टिंग है आपका तो आप इसे 10 से 15,000 आराम से कमा सकते हैं और 100% गारंटी के साथ कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हम हैं सवेरा बेगम और आप देख रहे हैं सवेरा बेगम ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हम आपको बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिजनेस करना हम सिखाने जा रहे हैं, इस पर पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप जाके वो वीडियो वॉच करें तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप वो वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को लाइक सारे काम की समझ आ सकती है, अदरवाइज इस वीडियो में भी हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने लगे हैं, लेकिन अगर आप उस वीडियो को भी साथ वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप बिना इन्वेस्टमेंट, बिना क्वालिफिकेशन, बिना एक्सपीरियंस, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अपने खुद का बिजनेस चला के रोज़ाना का 10 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे और बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन प्रोसीजर के थ्रू। और जैसे जैसे इसमें आपकी वर्थ बढ़ेगी तो आपकी डेली की इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। आप मतलब अगर स्टार्टिंग में 10 से 15,000 कमा रहे हैं तो आपकी ये इनकम रोजाना के बेसिस पे इंक्रीज भी होती जाएगी। आप लोगों ने ना तो फाइवर को ज्वाइन करना है, ना ही अपवर्क को ज्वाइन करना है, ना ही आप लोगों ने ब्लॉगिंग करनी है, ना ही कंटेंट राइटिंग करनी है, ना ही आप लोगों ने यूट्यूबिंग करनी है, इस तरह का आप लोगों ने कोई भी काम नहीं करना। बस आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 2 घंटे इस पे काम करना है और बाकी का जो सारा प्रोसीजर है वो कंपनी ने करना है, उसी ने लोगों को लाइक डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उसी ने लोगों को लाइक पार्सल्स भी देने हैं। आप लोगों का काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो काम आप लोगों ने करना है वो 1 से 2 घंटे लगा के आप लोगों ने सिर्फ अपने मोबाइल से या लैपटॉप से करना है। हम आपको सिर्फ एक मेथड बताएंगे, एक प्रोसीजर बताएंगे, लेकिन और भी ज़्यादा मेथड और प्रोसीजर है जिनका इंप्लीमेंट करके आप उनको भी एज अ बिजनेस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं यही आप लोगों के लिए इनफ होने वाला है। बस आप लोगों ने क्या करना है कि 1-2 महीने इसको ज़रूर देने हैं, इस पर कंटिन्यूसली काम करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्स चेक करना है, और 1-2 महीने बाद हमें कमेंट सेक्शन में आके बताना भी जरूर है कि आप लोगों को इसका रिस्पांस कैसे मिला है। स्पेशली हमारी फीमेल बहनें जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं, जो बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, जो बाहर निकल के कमाना नहीं चाहती, वो चाहती है घर में बैठ के अपने मोबाइल से ही हम कुछ ना कुछ अर्न करें, हमारी स्पेशली फीमेल बहनें ये वीडियो ज़रूर कम्प्लीट वॉच करें ताकि उन्हें सारा प्रोसीजर A to Z समझ आ सके कि अपना खुद का बिजनेस वो कैसे बिल्ड कर सकती हैं और उसके ज़रिए अर्निंग कैसे कर सकती हैं। काम की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर कोई ओरिजिनल चीज़ पता चलती है तो अपने आसपास के लोगों के साथ जैसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मगर अगर आपने अभी तक सवेरा बेगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल गूगल पे आके लिखना है पिंटरेस्ट लिख के आप लोगों ने सर्च कर लेना है। ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है आप लोगों ने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इसका ट्रस्ट रेट चेक कर लेते हैं कि ये अथेंटिक है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है कि नहीं। सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चल जाता ये कितनी अथेंटिक वेबसाइट है तब तक हम इस पर काम भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी अथेंटिसिटी जानने के लिए सिंपल इसका लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे सिमिलर वेब पे, यहाँ पर आके आप लोगों ने सिंपल इसका जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम सर्च करेंगे तो ये देखें हमारे पास इस
तमाम डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल विजिट्स कितने हैं, डेट भी मेंशन है और नीचे टोटल विजिट्स की जो तादाद है वो भी मेंशन है। 3.151 बिलियन विजिट्स यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग में ये ग्लोबल रैंक में ये 27 नंबर पर है, कंट्री रैंक में भी ये 27 नंबर पर है, और कंट्री रैंक यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम वो भी 27 नंबर पर है, और इंडस्ट्री रैंक में ये 9 नंबर पर है। मीन्स ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है, कोई फेक नहीं है, जेन्युइन रियल वेबसाइट है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस पे काम कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, वापस आ जाना है अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। सिंपल हम साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमसे मांग रहा है कि आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये आप लोगों ने दे के कंटिन्यू कर लेना है। आप फेसबुक से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आप गूगल से भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, पासवर्ड आप लोगों ने अपनी जीमेल वाला बिल्कुल भी नहीं देना, यहाँ पर आप लोगों ने न्यू पासवर्ड ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू पिंटरेस्ट। हमने क्या करना है, सिंपल इसको नेक्स्ट कर लेना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे आपकी लैंग्वेज पूछ रहा है और आप कहाँ रहते हैं वो पूछ रहा है। लैंग्वेज आप लोगों ने इंग्लिश ही रहने देनी है। कंट्री आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, इंडिया से है तो इंडिया से कर लें, कहीं और से हैं तो अपनी कंट्री आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हमें पाकिस्तान ही रहने देना है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, कि लाइक आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आपको जो चीज़ें लाइक जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। पहले भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है टी शर्ट्स बनाने से रिलेटेड, जिसे हमने अपना बिजनेस बनाना है, हमने वही बिजनेस यहाँ पर कंटिन्यू करना है, हमने अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, अपने बिजनेस को हम लोगों ने बढ़ाना है, उसे लाइक डिफरेंट जगह उस पर प्रमोट करना है ताकि हर जगह से हमारे पास ट्रैफिक आए। ठीक हो गया, तो हमने तब ड्रेसेस पे ही काम किया था, तो हम ड्रेसेस के अलावा बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डन पे क्लिक कर लेंगे। अब जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट होके हमारे पास आ गया है, जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। हम सिंपल चले जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे, ये हमारी प्रोफाइल है, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पिक्चर ऐड करनी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपल चेंज पे जाएंगे और आप लोग चूज फोटो पे जाएंगे और यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर है वो लगा सकते हैं। एसबी का ये जो लोगो हमने लगाया है ये इसलिए लगाया है कि लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी बिजनेस से रिलेटेड, तो उस पे जो हमने अपना अपने ब्रांड का जो नेम सेलेक्ट किया था वो एसबी अट्रैक्शन सेलेक्ट किया था। अब हमने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम ऐड करने कर लेना है। अपने बारे में आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा बता देना है। प्रोनाउंस आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोनाउंस सेलेक्ट करने के बाद अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो वेबसाइट का आप यहाँ पर लिंक ऐड कर लें, नहीं है तो आप इसे खाली रहने दें। उसके बाद आप यूज़र नेम सेलेक्ट कर लें, यूज़र नेम हम सवेरा बेगम ही रखना चाहते हैं और हमने सिंपल इसको सेव कर लेना है। ओके हो गया, आई थिंक यहाँ पर तक आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। हमने चले जाना है अकाउंट्स पर। अकाउंट्स पर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ईमेल पासवर्ड के नीचे आप लोगों को कन्वर्ट टू अ बिजनेस अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, आपने कन्वर्ट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे हमने कन्वर्ट अकाउंट पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया, आप लोगों ने सिंपल इसे अपग्रेड कर लेना है। ओके हो गया, तो अब ये जो हमारा अकाउंट है वो सिंपल अकाउंट से हटके एक बिजनेस अकाउंट बनने जा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हम इसे एज अ बिजनेस लेके चलेंगे। आप लोगों ने प्लीज टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना कि भाई ये बहुत कोई मुश्किल बात है, हम हर स्टेप आप लोगों को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने में। इसलिए हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बस आप लोगों ने इसी चीज़ को फॉलो करना है तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अपना बिजनेस प्रोफाइल नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या अपने ब्रांड का जो नेम है वो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा एसबी अट्रैक्शन है हमने वही रख लेना है यहाँ पर। ठीक हो गया, उसके नीचे हमसे पूछा हुआ है डू यू हैव अ वेबसाइट, नो हमारी कोई वेबसाइट नहीं है, हमने इसे नो कर लेना है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ओके हो गया, यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब योर बिजनेस और नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड,
तो यहाँ से आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्यूटी का दिया हुआ है, फैशन का दिया हुआ है, होम होम का, ट्रैवल का, फूड का, मतलब जिस चीज से रिलेटेड आप करना चाहते हैं उस रिलेटेड आप कर लें। नीचे मेंशन किया हुआ है इन्होंने व्हाट आर योर गोल्स, आप लोग इसमें से तीन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं सेल मोर प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ग्रो ब्रांड अवेयरनेस कर लेते हैं, और नीचे वाला भी कर लेते हैं जनरेट मोर लीड्स टू योर बिजनेस, और इसको हम सिंपल क्या कर लेते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लें। हमने सिलेक्ट कर लिया ऑनलाइन रिटेल और मार्केट प्लेस, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, सिलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट किया। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए कौन से लाइक वेबसाइट को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर इट्स है, शॉपिफाई है, और भी बहुत सारी हैं, आप इनमें से किसको यूज करते हैं? अगर करते हैं तो उसको आप क्लिक कर लें, अदरवाइज नहीं करते तो समथिंग एल्स पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ओके हो गया, क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, यहाँ हमसे पूछा वुड यू एवर बी इंटरेस्टेड इन रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट, तो आप लोगों ने येस कर देना है, येस आई एम इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग, इस पे आप लोगों ने सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। फिर उन्होंने पूछा हुआ है वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, कि लाइक आप किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, शेयर आइडियाज करके करना चाहते हैं या अपने ब्रांड को शोकेस करना चाहते हैं। सिंपल नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने अपना ब्रांड जो है वो यहाँ पर अपलोड करके सेल आउट करना है, तो हमने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। हमारी प्रोफाइल हमारे सामने ओपन होके आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पिन का ऑप्शन है और बोर्ड का ऑप्शन है, आप लोगों ने सिंपल पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर लेनी है। अब अपलोड कहाँ से करनी है वो हम आपको बताते हैं कि अपलोड हम कहाँ से करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने टीस्प्रिंग पे लाइक एक प्रोडक्ट बनाया था लास्ट टाइम, वही प्रोडक्ट उठा के हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है। अब कैसे उठाना है, हमने सिंपल चले जाना है टीस्प्रिंग की वेबसाइट पर। ठीक हो गया, ये हमारा अकाउंट यहाँ पर पहले से लॉगिन है। हम क्या करेंगे, जो हमने अपने स्टोर पर प्रोडक्ट अपलोड की थी, हमने सिंपल उसकी पिक्चर को जो है वो सेव कर लेना है। हम यहाँ से ये कुछ पिक्चर जो है वो सेव कर लेंगे। लास्ट वीडियो में ये टी शर्ट्स बनानी हमने सिखाई थी आपको, ग्लास पर प्रिंट करना सिखाया था, ये चीज़ें सिखाई थी। हम सिंपल इसको ओपन कर लेंगे कलर्स के मुताबिक, आप कलर स्कीम के मुताबिक आप इसको सेव कर लें। जैसे ही हमने सेव किया, हम अपनी पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे और यहीं से वो जो टी शर्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एड ऑन कर लेंगे। ओके हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने टाइटल ऐड कर लेना है, टाइटल जो हमने वहाँ पर लिखा था वही हम ऐड करेंगे, लेट्स स्लीप। नीचे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने लिंक ऐड कर लेना है। लिंक कौन सा ऐड करना है वो भी हम आपको बताते हैं। वापस आप लोगों ने चले जाना है अपनी वेबसाइट पर और वहां से आप लोगों ने इस शर्ट का जो लिंक है वो सिंपल कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, आप ब्रांड का भी कर सकते हैं, सिर्फ इस टी शर्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन हम मशवरा देंगे कि आप अपने पूरे स्टोर का या पूरे अपने अकाउंट का जो लिंक है वो सिंपल कॉपी करके वहां अटैच कर दें। लिंक ऐड करने का मकसद क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर लिंक ऐड करके हम इसको सेव करेंगे, कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपकी टीस्प्रिंग वाला जो आपका अकाउंट है चला जाएगा, और वहीं से जाके ये लोग जब परचेज करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, टॉपिक से रिलेटेड टैग्स लगाने हैं। जैसे ही आप लोग टैग सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल ऊपर पब्लिश का बटन है, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर लेना है और थोड़ी देर में आपका जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। अभी आपके सामने हम आपको दिखाते हैं, ये नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया है, योर पिन हैज बीन पब्लिश्ड, आप लोगों ने सिंपल व्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने ओपन होके आ गई है। अगर कोई भी आपके इस लिंक पे क्लिक करता है तो ये देखें, ये आपकी शॉप पे आ गया है, जो आपने टीस्प्रिंग की वेबसाइट बनाई थी, सॉरी टीस्प्रिंग पे जो अपना अकाउंट बनाया था ये उस पे आ गया है, तो डायरेक्ट यहाँ से ये लोग चीजों को परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप लोगों ने इस तरह अपनी चीजों को प्रमोट करना है। यहाँ पर जो कम्युनिटी आती है, हमने पहले ही कहा है यूनाइटेड स्टेट की कम्युनिटी सबसे ज्यादा आती है, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपके स्टोर में से जाके वो प्रोडक्ट खरीदेंगे
और आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस पे सिर्फ 1 महीना मेहनत करके काम कर लें, यकीन माने कि इससे अच्छा बिजनेस आप लोगों के लिए कोई भी नहीं है। ये आप लोगों के खुद का बिजनेस क्रिएट होने जा रहा है अगर आप लोग इस पे काम करते हैं। ना तो आप लोगों को खुद से टी शर्ट्स खरीदनी है, ना तो आप लोगों ने पार्सल्स डिलीवर करने हैं, आप लोगों ने सिर्फ प्रिंट आउट्स बना के देने हैं, सिर्फ प्रिंट्स बना के देने हैं। कैसे बना के देने हैं सारा प्रोसीजर आपको सिखा दिया गया है। अगर अब भी आप लोग ये काम नहीं करते तो फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि हम आप लोगों को सिर्फ काम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हम आप लोगों को करके नहीं दे सकते। अक्सर कमेंट्स में हमें ये होता है कि लाइक आप हमें काम लेके दे दें, हमें वो बता दें। तो प्रोसीजर ही समझा दिया है, तरीका ही आप लोगों को बता दिया, तो एटलीस्ट आप लोग उसका इंप्लीमेंट करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब सवेरा बेगम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।